बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब हर किसी को 10 नवंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है। हालांकि सभी एग्जिट पोल महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं। हालांकि एनडीए खेमा अभी भी अपनी जीत की उम्मीद पाले हुए है। दरअसल एनडीए खेमा महिला वोटरों को लेकर उत्साहित है। विधानसभा और लोकसभा के पिछले 3 चुनावों में महिला वोटर्स का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा और उसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को मिला। एग्जिट पोल के अनुमान भले ही एनडीए के पक्ष में ना हो, मगर एनडीए खेमे में साइलेंट और महिला वोटर्स को लेकर एक आशा की किरण दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू दोनों के नेताओं का मानना है कि साइलेंट वोटर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में करिश्मा कर सकते हैं। बीजेपी का मानना है कि बिहार में ऐसे बहुत से वोटर हैं जिनको पीएम मोदी की योजनाओं से फायदा हुआ है और ये साइलेंट वोटर हैं। एग्जिट पोल में ऐसे वोटरों की राय ले पाना मुश्किल होता है। ऐसे में हमें अंतिम परिणाम का इंतजार करना चाहिए। हम आराम से सरकार बना लेंगे। उधर जेडीयू के नेता महिलाओं और ईबीसी वोटरों में नीतीश की लोकप्रियता को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि 2005 में किसी ने नहीं कहा था कि नीतीश वापसी करने वाले हैं। 2010 में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी की गई थी। 2015 में एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बना रहे थे, इसीलिए एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करने की कई वजह है। 2015 के चुनावों में महिलाओं ने सबसे ज्यादा 7.5% वोटिंग की थी और 53.3% पुरुषों ने वोट डाले थे, जिसका फायदा नीतीश को मिला था और सत्ता में वापसी हुई थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में 54.9% पुरुषों ने वोट डाले थे तो महिलाओं का 59.6% रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्य की 40 सीटों में से 39 सीट पर एनडीए को जीत मिली। ऐसे में 2020 में महिलाओं का ज्यादा मतदान सत्तारूढ़ खेमे को थोड़ा बल दे रहा है। बिहार में ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें एग्जिट पोल्स पसंद नहीं आए और वो इतिहास का हवाला दे रहे हैं। ऐसे लोग 2019 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की याद दिला रहे हैं। वो साइलेंट और मैच्योर वोटर की भी बात कर रहे हैं। अब एग्जिट पोल्स में चित्र बीजेपी नीतीश के लिए असल नतीजों में कोई करिश्मा होता है या नहीं, ये तो 10 नवंबर को पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।